हेलो एवरीवन, मैं आपका रीत आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एंड एक्सपर्ट चैनल में। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि जब हम एप्स को क्रिएट कर लेते हैं डेवलपर से, तब हमें डेवलपर से कौन से फाइल्स लेना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे नोटपैड में कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, मैं आपके साथ एक एक पॉइंट को शेयर करता हूँ। इस पॉइंट को आपको नोट करने हैं एंड डेवलपर से आपको एक एक फाइल ले लेनी है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, डॉट एएबी फाइल एंड डॉट एपीके फाइल। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इन दोनों भी फाइल को आपको डेवलपर से ले लेना है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, जो डॉट ए बी फाइल होती है वो प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए यूज होते हैं, या फिर डॉट ए पी के फाइल भी अपलोड कर सकते हो। इन दोनों में से आप प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हो, बट मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप डॉट ए बी फाइल को ही अपलोड कीजिए, क्योंकि जो डॉट ए बी फाइल होती है वो थोड़ी कम साइज की होती है एज कम्पेयर टू द डॉट ए पी के फाइल। दोनों भी हम एक ही काम होता है, बट ये थोड़ी डॉट ए बी फाइल कम साइज के होते हैं। ओके, बट डॉट ए पी के फाइल फिर हम कहाँ यूज करेंगे? तो देखो, जैसे गूगल प्ले स्टोर होते हैं वैसे बहुत सारे ऑलरेडी स्टोर्स अवेलेबल है, जैसे अमेजोन स्टोर, नाइन एप्स, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल होते हैं। उसमें सिर्फ आपको डॉट ए बी फाइल अपलोड नहीं करना होता है, तो डॉट ए पी के फाइल अपलोड करना होता है। इसलिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आपको डॉट ए पी के फाइल को भी ही ले लेना है, क्योंकि इन स्टोर्स पे आपको डॉट ए पी के फाइल को ही अपलोड करना होता है। अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डॉट जेकेएस फाइल, की अलाइज एंड की पासवर्ड। तो देखो, जो मैंने यहाँ पे नाम लिए ये सब अपडेट के टाइम में यूज होते हैं। जैसे जब हम एप्स को अपडेट करते हैं तब हमें की अलाइज, की पासवर्ड एंड जेकेएस फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा हूँ, आपको ये जो स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिएट न्यू का ऑप्शन तब हमें यूज करना होता है जब हम एप्स को फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं, एंड जो ये चूज एग्जिस्टिंग हमें यूज कब करना होता है, जब हम एप्स को अपडेट करते हैं। तो डॉट जेकेएस फाइल यहाँ यूज होते हैं चूज एग्जिस्टिंग, जब हम एप्स को अपडेट करते हैं तब हमें चूज एग्जिस्टेंट पे क्लिक करना होता है, एंड जो भी हमारी डॉट जेकेएस फाइल होती है वो वहां से हमें सिलेक्ट करनी होती है। और अभी हम बात करते हैं की अलाइज एंड की पासवर्ड। तो देखो, जब हम एप्स को क्रिएट करते हैं तब हम की अलाइज एंड की पासवर्ड को जनरेट करते हैं, तो अपडेट करते समय ही हमें इसको यूज करना होता है। इसलिए आपको डॉट जेकेएस फाइल, की अलाइज एंड की पासवर्ड को डेवलपर से ले लेना है, एंड डॉट एपीके फाइल एंड डॉट एबी फाइल को भी ले लेना है अपलोड करने के लिए। अभी हम बात करते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट की, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो देखो, जब हम डेवलपर एप्स को क्रिएट करते हैं तब क्या होता है, डेवलपर खुद ही यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करता है, क्योंकि बहुत सारे जगह उनको लॉग इन करना होता है, जैसे एडमिन पैनल होता है, फायरबेस होता है। इसमें क्या होता है, आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो, तो आपको उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड होना जरूरी है। इसलिए डेवलपर से डायरेक्ट बोल देना, जहां जहां आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज किए मुझे उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दीजिए। ओके, अभी हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, सोर्स कोड। तो देखो, अगर आपका टेम्पलेट बेस है तो आपका जो डेवलपर रहेगा वो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करेगा, और यही आपकी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऐप है तो आपको सोर्स कोड अवेलेबल कर देगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सोर्स कोड क्या होता है। तो सोर्स कोड, जब हम एप्स को क्रिएट करते हैं जो हमारा कोड होता है उसको ही बोलते हैं सोर्स कोड। अगर आपके पास सोर्स कोड है तब आप किसी भी डेवलपर को, अगर सपोज आप एक कोई डेवलपर है जिनसे हमने सोर्स कोड को ले लिया, तो हम किसी भी डेवलपर को उस सोर्स कोड को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड अपने ऐप को अपडेट कर सकते हैं। ओके, और यही हम बात करें, हमारे पास सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है तो हमें नेक्स्ट टाइम उसके ही पास जाना होगा जिनके पास हमारा सोर्स कोड है, एंड उनको बोलना होगा कि प्लीज भाई मेरे कुछ चेंजेस करके दो, तो वही डेवलपर आपके कुछ चेंजेस करके दे सकता है एंड फीचर्स ऐड करके दे सकता है। तो अगर आपका टेम्पलेट बेस है तो आपको सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा। यही आपका ऐप रिक्वायरमेंट बेस है, मीन्स आपने खुद के लिए अकेले के ही क्रिएट किया, तो आपको सोर्स कोड अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप गाइस, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको समझ में आए होंगे। तो आपको सबसे पहले मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि आपको क्या क्या लेना है। आपको डॉट जेकेएस फाइल ले लेना है एंड डॉट एबी फाइल ले लेना है एंड डॉट एपीके फाइल ले लेना है। उसके साथ आपको की अलाइज एंड की पासवर्ड भी ले लेना है, एंड जहाँ जहाँ आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज हुआ उसको यूज कर लेना है। और सबसे मेन, सोर्स कोड अगर डेवलपर दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं दे देता है तो उसको कन्विंस करके देखो, दे देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तब भी ठीक है। ओके, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, जब आप ऐप को डेवलपर से क्रिएट करते हैं तब हमें कौन से फाइल ले लेनी होती है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।